विद्यालय चंगेरी का मुख्य गेट जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुसज्जित फूलों से सजा हुआ। बहुत ही सुंदर शांत वातावरण, साफ सुथरा और हरियाली से एकदम सजा हुआ। ये आप देख पा रहे हैं, ये लैस लगी है, कटिंग हुई हुई। यहाँ सुंदर सुंदर गमले लगे हैं। ये हमारा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चंगेरी। ये पेड़ों को भी हमने इस तरह से गोल में कटिंग करके सुंदर बनाया हुआ है हमारे विद्यालय में। औषधीय पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, जैसे ये पेड़ है कचनार का, जिसके पत्ते और छाल के सेवन से गांठें शिष्ट पथरी नष्ट हो जाती हैं। ये सुंदर छोटी सी एक वाटिका है, इसमें गुलाब से लेकर के नींबू के पेड़ से लेकर के अशोक के पेड़ से लेकर के मेहंदी के पेड़ से लेकर के, और ये जो बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं ये है सहजन का पेड़, जो कहीं भी शरीर में दर्द होता है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा इसके अंदर रहती है। बहुत ही सुंदर पेड़ है। इस तरह के हमने छोटे छोटे डिजाइन भी बनाए हुए हैं। अशोक के पेड़ हों चाहे पत्थर चट्टा के पेड़ हों, सभी वृक्ष। ये पीपल का पेड़ है। ये इस तरह के हमने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना करके अपने स्कूल को सुंदर बनाया हुआ है। इस प्रकार से हमने गोलाई में इसको किया हुआ है। बहुत ही सुंदर वातावरण। ये योग कक्ष है, ये हमने एलोवेरा लगाया हुआ है। ये नागदौन है, नागदौन के पत्ते का रस निकाल के पीने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। ये जामुन है, ये आड़ू है, आड़ू का पेड़, आड़ू के पत्ते खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये अमरूद हैं, ये अश्वगंधा है, इधर आप देख पा रहे हैं। और ये वो वृक्ष है जो समुद्र मंथन में पाया गया था। ये रतन है, 14 रतन निकले थे समुद्र मंथन में, उनमें से एक रतन है पारिजात। और ये है आंवला। आंवला त्रिदोषनाशक होता है, संपूर्ण आरोग्य देने वाला। बहुत ही सुंदर वातावरण है प्राथमिक विद्यालय चंगेरी विकासखंड डिलारी जनपद मुरादाबाद का। इस हरियाली से सुसंजित ये विद्यालय। ये हमारे किचन है सामने, आप देख पा रहे होंगे, निपुण बनेंगे हम निश्चितता के साथ। विश्वास है कि हमारा विद्यालय, हमारा जनपद, हमारा राज्य और हमारा देश निपुण होगा। ये इस तरह से हम लोगों ने कटिंग करके पेड़ों की बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये पेड़ कितना प्यारा पेड़ है। इसको हमने इस तरह से कटिंग किया है कि देखिए इसकी जड़ काफ़ी दूर है और इसकी जो छतरी है वो बहुत दूर तक बनाई हुई है। बहुत ही प्यारा देखने में लगता है। ये गुड़हल के पेड़ हैं जो एंसी ऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत लाभकारी होते हैं। गुड़हल के फूल का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। ये मेन गेट है हमारे विद्यालय का, जो फूलों से लदा हुआ है। बहुत ही सुंदर।
मनमोहक वातावरण पूरे विद्यालय का। देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर ये वट वृक्ष है जो पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बहुत ही लाभकारी है, गुणों से भरपूर।